नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज विद टी। परमाणु धमकी भी नहीं आई काम, मुंह लटकाकर बातचीत की टेबल पर आया पाकिस्तान। भारत को जंग की धमकी और परमाणु हमले की धौंस देने वाला पाकिस्तान आखिरकार मुंह लटकाकर बातचीत की टेबल पर आ गया है। कश्मीर मुद्दे पर दुनिया भर में अपना प्रोपगेंडा बेचने में नाकाम रहने के बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को भारत से द्विपक्षीय बातचीत में कोई एतराज नहीं है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया है। बता दें, पाकिस्तान का ये बयान तब आया जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद अब भारत से कोई बातचीत नहीं हो सकती। एनआरसी की अंतिम लिस्ट से 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर, 3 करोड़ 11 लाख वैध पाए गए। नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनआरसी की अंतिम लिस्ट जारी कर दी गई है। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के मुताबिक अंतिम सूचना में 19,06,657 लोग बाहर हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा पेश नहीं किया था। 3,11,21,004 लोगों को वैध करार दिया गया है। अगर कोई लिस्ट से सहमत नहीं है तो वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। फडणवीस बोले, नारायण राणे बीजेपी के करीबी, शिवसेना से चर्चा के बाद लेंगे फैसला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कयासबाजी जारी है। बीते दिनों नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी। देवेंद्र फडणवीस ने अब इस पर कहा कि नारायण राणे बीजेपी के करीबी हैं। अब सिर्फ ये तय करना है कि उनकी पार्टी हमारे साथ विलय करेगी या नहीं। इस पर अंतिम फैसला शिवसेना से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। प्रियंका ने कहा, न जीडीपी ग्रोथ है और न ही रुपया मजबूत, अर्थव्यवस्था नष्ट करने की ये किसकी करतूत। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जीडीपी विकास दर से साफ है कि अच्छे दिन का भोपू बजाने वाली भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत पंचर कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि न जीडीपी की ग्रोथ है और न रुपए की मजबूती, रोजगार भी गायब है। अब तो साफ करो कि अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देने की ये किसकी करतूत है। मोहन भागवत से मिले मौलाना मदनी, बोले मुस्लिमों को लेकर सोच बदले आरएसएस। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली के झंडेवालान स्थित संघ कार्यालय केशव कुंज में हुई। इस दौरान मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख भागवत से मौजूदा हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संघ मुस्लिमों को लेकर अपना नजरिया बदले और सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर उतर कर काम करे। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।